हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपोर्टेंट न्यूज के साथ कुछ एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आज आई है, वो आई है वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांग्रेस 2018 के बारे में। तो क्या है वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांग्रेस, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांग्रेस है, उसका जो इस बार वाला सेशन है, मतलब 2018 का जो सेशन है वो इंडिया में आयोजित किया गया। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया में सेशन को आयोजित किया गया है, इंडिया में पहली बार एक कांग्रेस आयोजित की जा रही है। इससे एशिया में यह सेकंड टाइम पे आयोजित हो रही है। इससे पहले एशिया में आयोजित की गई थी 2008 में कुआलालंपुर, जो कि है मलेशिया में। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब इसमें थीम क्या है इस बार की, वो देखते हैं कि वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांग्रेस की थीम है, वो है इस बार की फ्यूचर इंटरप्राइजेस। तो वो थीम पे हमें फोकस रखना है क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एक आता है कि एक बाई एनुअल, मतलब साल, सॉरी 2 साल में एक बार ये आयोजित होती है। तो ये भी चीज भी हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो वर्ल्ड कांग्रेस था, वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांग्रेस था, वो 1978 में स्टार्ट हुआ था और उसके हर 2 साल बाद ये स्टार्ट, मतलब हर 2 साल बाद ये आयोजित किया जाता है। तो इस बार का जो सेशन है वो इंडिया के तेलंगाना में आयोजित किया गया था, ये इसको लेके न्यूज आई है। अब इंडिया में इसको आयोजित किसके द्वारा किया गया, सबसे पहली बात तो है तेलंगाना गवर्नमेंट, इसी के साथ नास्कॉम और इसी के साथ एक आईटी ग्रुप्स हैं और इसी के साथ वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन कांग्रेस है, वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांग्रेस है ये, और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा मिलकर से स्टार्ट किया गया। जो डिफरेंट टैलेंट्स हैं वो उन्होंने सबने मिलकर इसके साथ। तो यूपीएससी ऐसे पूछ लेती है कि भाई नीति आयोग था नहीं, तो हमें ध्यान रखना कि भाई नीति आयोग इसमें नहीं है। बेसिकली इतने 4-5 ग्रुप्स है तो यूपीएससी 4-5 के बारे में नहीं पूछती है, बट नीति आयोग वगैरह का कुछ जो स्पेशल होता है तो उनके बारे में यूपीएससी ज्यादा फोकस है वो करती है एग्जाम में। अब इसका काम क्या है, जो टेक्नोलॉजी कांग्रेस है इसका मेन फोकस ये रहेगा कि ये सिंगल प्लेटफॉर्म देगी जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सबको, इसी के साथ जो डिफरेंट गवर्नमेंट है, मतलब वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ताकि यहाँ पे सभी लोग आके मिल सकें, जो भी एक्सपर्ट हैं पॉलिसीज वगैरह बना सकें और अपने रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व कर सकें। उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, 1978 में इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये थी इसके बारे में बेसिक न्यूज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ आई है वो मैं ले आई है थिएटर ओलंपिक्स के बारे में, कि जो 8वां एडिशन है थिएटर ओलंपिक्स का वो भी स्टार्ट किया गया, इनोग्रेट किया गया, उसी के लेके न्यूज आई है। तो जो है मेनली जो नेशनल ड्रामा स्कूल है उसके द्वारा थिएटर ओलंपिक्स का 8वां सीजन है वो आयोजित किया गया। अब थिएटर ओलंपिक्स जो है वो मैं ले आता है कल्चर मिनिस्ट्री के, मतलब कल्चर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसे आयोजित है वो किया जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि भाई भारतीय जो नाट्यशास्त्र कला है, नाट्यशास्त्र जो स्कूल है वो मेरे लिए कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और इस बार की थीम है वो है फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। तो थीम पे भी हमें फोकस करना है, यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर के नजरिए से भी इसको पूछ सकती है। इसी के साथ इसमें अगला पॉइंट ये आता है कि इसमें होगा क्या, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो भी ग्रुप्स हैं, मतलब नाट्यशास्त्र या नाट्य कला से रिलेटेड, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फिर डिफरेंट जो स्टेक, जो डिफरेंट मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, वर्कशॉप वो आयोजित करवाई जाएंगी। इसके साथ ये होगा कि जो भी एक्ट्रेस या जो भी ऑथर्स वगैरह वो सब अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे, अपनी डिजाइन वगैरह या अपने डायरेक्टर्स वगैरह जो भी अपने बारे में, मतलब ड्रामा स्कूल से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे यहाँ पे किए जाएंगे ताकि आपस में कोलेब्रेशन है वो अच्छा हो सके। इसके लिए इसे आयोजित किया गया, दिल्ली में आयोजित हो रहा है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो है वतन को जानो प्रोग्राम, वतन को जानो इनिशिएटिव के बारे में। तो इसमें मेनली यूपीएससी पूछ सकती है किसके लिए आयोजित किया गया है। वतन को जानो जो इनिशिएटिव है ये मेनली होम अफेयर मिनिस्ट्री और जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इसी के साथ स्टेट रिहेबिलिटेशन काउंसिल है उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की, होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया और इसका जो फोकस है वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर की यूथ पे। देखो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूथ है वो मेनली काफी बार टेरिज्म की तरफ प्रमोट होती रहती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को देश के बाकी हिस्से के साथ अट्रैक्ट किया जाए, बाकी हिस्से के साथ अवेयर करवाया जाए, मतलब अपनी कंट्री के बारे में उसको जानने के लिए प्रेरित हो किया जाए या अपनी कंट्री के बारे में उसके इंफॉर्मेशन वो दी जाए। तो इसलिए वतन को जानो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो इसमें मेनली कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर फोकस रहेगा। तो यह चीज हमें ध्यान रखनी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए है और होम अफेयर मिनिस्ट्री और जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इसी के साथ स्टेट रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है वो हमें आप ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है यूके एंड इंडिया ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम के बारे में। तो न्यूज एक्चुअली ये है कि यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया है उसके द्वारा ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम हो चलाए गए हैं दो, ये मेनली किस किस पे फोकस करेंगे वो देखते हैं। और ये चलाए गए हैं वो चलाए गए नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके साथ रिसर्च काउंसिल ऑफ यूके। तो ये ध्यान रखना कि इसमें भाई नीति आयोग है
वो शामिल, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज है वो नहीं होना है। अब ये दो जो इसमें दो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं वो चलाए गए हैं वाटर क्वालिटी रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, इसी के साथ ही एनर्जी डिमांड रिड्यूशन इन बिल्ड इन्वायरमेंट के लिए, मतलब एक इन्वायरमेंट को अच्छा बिल्ड करना है तो उसके लिए एनर्जी डिमांड है उसको भी कंट्रोल करते हुए अच्छे ढंग से डेवलप करना है, इसी के साथ ही वाटर क्वालिटी है रिसर्च उसको प्रमोट करने के लिए दोनों कंट्रीज में इन चीजों पर फोकस रहेगा। तो यह प्रोग्राम चलाए गए किसके द्वारा चलाए गए वो ध्यान रखना है, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च काउंसिल ऑफ यूके के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। तो ये दो बेसिक पॉइंट है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं हम अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो आई है मेरे लिए नोरो वायरस के बारे में। तो क्या है नोरो वायरस, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो नोरो वायरस वो एक रोटा वायरस की तरह है। अब रोटा वायरस क्या होता है, रोटा वायरस है इससे मेरे लिए डायरिया दस्त वगैरह ऐसी बीमारियां वो होती हैं, और इसका जो भी इम्पैक्ट था वो देखा गया था विंटर ओलंपिक जो कि साउथ कोरिया में आयोजित किए जा रहे हैं वहां पे इसका इम्पैक्ट है वो देखा गया था। तो उसी को लेकर न्यूज आई है, इसके बारे में दो तीन पॉइंट्स हैं कि नोरो वायरस है वो सेम रोटा वायरस की तरह होता है एक तो, और ये काफी जल्दी स्प्रेड होता है लोगों में, और दूसरी बात है काफी लंबे टाइम तक इसके जो वायरस होते हैं कीटाणु बोल सकते हैं वायरस होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक जीवित रह जाते हैं, तो इसलिए इसके फैलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक न्यूज तो हमें ध्यान रखना है कि है क्या, अभी रिसेंटली इसका स्प्रेड हो कहाँ देखा गया था, तो कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है रमन इफेक्ट के बारे में। तो रमन इफेक्ट के बारे में जो न्यूज है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो है क्या रमन इफेक्ट, क्या है रमन इफेक्ट, ये कहता है कि जब कोई भी लाइट होती है अगर उसको कोई भी केमिकल कंपाउंड से गुजरा जाता है तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना उसमें चेंजेस आ जाते हैं। मतलब भी हुआ इसका कि भाई लाइट की वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं उसका मतलब साफ से है कि केमिकल कंपाउंड है उसने लाइट को कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट किया है। तो इससे होगा क्या, इससे हम जो केमिकल कंपाउंड है जिसे पास किया है उस केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है वो जान सकते हैं किस तरह का केमिकल कंपाउंड है, क्योंकि हर केमिकल कंपाउंड है उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी उसकी डेंसिटी वगैरह सब कुछ अलग होता है, तो उसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड है कौन सा है, और यही था रमन इफेक्ट। अब इसी को लेके यह न्यूज आई है, न्यूज एक्चुअली है कि नेशनल साइंस डे के बारे में कि 28 हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1930 के अंदर, तो यह कुछ बेसिक पॉइंट है वो भी हमें ध्यान रखना है कि भाई उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज कब मिला था इंडिया में, कुछ बेसिक पॉइंट देखो ऐसे यूपीएससी मेनली पूछ लेती है, और दूसरी बात किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से ही रिलेटेड है, यूपीएससी पूछ लेती है ऐसा कि नहीं बायोलॉजी से रिलेटेड था किससे है रमन इफेक्ट, तो देना कि रमन इफेक्ट है वो मेरे लिए फिजिक्स से रिलेटेड है, और 1930 में इनको अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ ही हर साल इसी के उपलक्ष में नेशनल साइंस डे वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है वो ये हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट के बारे में न्यूज एक्चुअली ये है कि जो हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट है वो विश्व का पहला जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का परमिशन है वो मिली है मुंबई टू पुणे की, उसने एक प्रस्तावित है अभी बना नहीं है, अभी केवल बात हो रही है कि बनेगा, बट बनेगा का वो बाद में देखेंगे। तो ये ध्यान रखना मुंबई से पुणे के बीच में पहला विश्व का जो हाइपरलूप है वो बनाने की बात है। अब हाइपरलूप होता क्या है, देखो हाइपरलूप में नॉर्मली ये होता है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, जैसे कि ये मान लो एक पाइप है इस तरीके की सिलेंड्रिकल ट्यूब हो गई। अब इसके बीच में क्या होता है पोर्ट टैक्सी होती है, मतलब छोटी सी वैन टाइप की जो टैक्सी होती है ना वैसी एक टैक्सी होती है, उसके अंदर लोग वो बैठे रहते हैं पूरा एक तरीके से, बाकी का जो बार का सिस्टम होता है पाइप के अलावा ये सारा वैक्यूम होता है, तो उसमें काफी फास्ट गति से मूव करती है, तो उसकी स्पीड है वो काफी तेज होती है, मतलब नॉर्मली रेल वगैरह की जो स्पीड होती है उसे 3-4 गुना इसकी स्पीड होती है। तो वैक्यूम ट्यूब के थ्रू इसे जो पोर्ट टैक्सीज वगैरह इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आपको रेफरेंस के लिए मैं इमेज है वो दिखा देता हूँ कि ऐसे ही इस तरीके की ये टेक्नोलॉजी होती है, आप देख सकते हो मतलब एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसके अंदर लोग बैठे हैं और फिर इसको बाहर पाइप होता है तो उस पाइप के थ्रू उनको काफी हाई स्पीड से भेजा जाता है, तो ये एक प्रोसीजर होती है। और बारिश में वैक्यूम का मतलब हवा बहुत कम, प्रेशर बहुत कम होता है इसलिए फ्रिक्शन कम होगा तो स्पीड काफी तेज हो जाती है। तो यह कुछ बेसिक न्यूज थी कि भाई कहाँ प्रस्तावित हुआ, यह प्रस्तावित हुआ मेनली मुंबई टू पुणे के बीच में। अब चलते हैं हमारी एक बार क्वेश्चंस की तरफ। तो आज के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आज को साथ ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आज का ये है वो है मैरामोन कन्वेंशन के बारे में। तो आपको बताना है कि मैरामोन कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन ये है कि एक लार्जेस्ट क्रिश्चियन कन्वेंशन है एशिया की, मतलब यह एशिया का लार्जेस्ट क्रिश्चियन कन्वेंशन है, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि रिसेंटली इसे केरला में आयोजित किया गया और केरला में इसका 123वां सेशन था। और थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि इसका जो मेन फोकस है वो इस बार रहा था पेम्बा रिवर पे, कि पेम्बा रिवर का कंजर्वेशन है उस पर इसका ध्यान है वो रहा था। तो जी हाँ, आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो आपको बता दूं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह लार्जेस्ट क्रिश्चियन कन्वेंशन है, तो यह में ध्यान रखना है एशिया का। दूसरी बात है कि रिसेंटली केरला में इसे आयोजित किया था, वो हर साल केरला में ये आयोजित हुआ है, क्योंकि जो मैरामोन जो जगह है यह मेनली देखा जाए तो वही केरला में ही है। तो ये इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट आप देख सकते हो कि मैरामोन कन्वेंशन है वो कहाँ कहाँ से इसके बारे में पॉइंट्स हो यहाँ पे इंक्लूड किए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये आपको बताना। देखो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 है वो है आयोजित किया गया था टेरी के द्वारा, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि एक नॉट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, एक थिंक टैंक है जिसका मेन काम यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी आइडियाज हैं इन्वायरमेंट वगैरह पे उन पे रिसर्च है, पॉलिसी बनाने का इसका मेनली काम है। तो यह थी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है तीसरा क्वेश्चन हुआ है चंद्रयान मिशन के बारे में, तो चंद्रयान मिशन जो टू है इसके बारे में मैंने लिया है। पहला ऑप्शन तो ये दिया गया है कि भाई चंद्रयान मिशन जो टू है इसमें लैंडर भी होगा, रोवर भी होगा और ऑर्बिटर भी होगा, मतलब लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों से लेस होगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि पहली बार किसी प्लेनेटरी, कोई भी ऐसी बाहर की प्लेनेटरी बॉडी है जिसके अंदर लैंडर, रोवर और जो ऑर्बिटर है उनको सेंड किया जा रहा है, और इंडिया इस मिशन को जो मून है उसके साउथ पोल पे लॉन्च कर रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन ऑप्शन में बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है कि चंद्रयान मिशन टू है इसमें पहली बार लैंडर भी होगा, रोवर भी होगा और ऑर्बिटर भी होगा, और यह पहली बार इंडिया ऐसा कर रहा है कि किसी दूसरी प्लेनेटरी बॉडी पे इनको सेंड कर रहा है, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर को। अगली बात यह है कि यह मून के साउथ पोल पे इसको लॉन्च किया जाएगा। अब मून का साउथ पोल है वो एक्चुअली काफी, मतलब देखा जाए तो वहां पे रॉक्स वगैरह काफी पुरानी और काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए इंडिया पहली बार वहां पे आयोजित कर रहा है। अभी तक बाकी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री ने मून के साउथ पोल पे ऐसे मिशन को लॉन्च है वो नहीं किया। तो ध्यान रखना कि इंडिया पहली कंट्री बनी है जिसने साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे तो काफी ने किया है वहां पे, बट साउथ पोल पे किसी ने किया, तो साउथ पोल पे पहली कंट्री वो इंडिया। अभी जब ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंडिया कंट्री बन जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं कि लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर है क्या। तो एक बार इस तरीके के होते हैं, देखो लैंडर का मतलब ये होता है कि जो ही जैसे जो भी सैटेलाइट वगैरह की सॉरी जो भी स्पेस यान जाएगा वो वहां पे क्या कि लैंड होगा, मतलब प्रॉपर जमीन के ऊपर लैंड होगा, तो इस तरीके की आप डिफरेंस इमेज देख सकते हो। रोवर का मतलब ये है कि फिर जो लैंडर होता है इसे एक तरीके का रोबोट टाइप का होगा जिसमें व्हीकल्स होंगे, मतलब एक तरीके से व्हील्स वगैरह होंगे ताकि ये पूरे मून पे इधर उधर घूम सकेगा और वहां के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है जो भी फोटोज वगैरह क्लिक करके यहाँ पे इंडिया में इसरो के पास भेज सकेगा। तो ये होता है रोवर। ऑर्बिटर का मतलब भी होता है एक तरीके से, ये सेटेलाइट ही है, ये क्या करेगा, सेटेलाइट ऑर्बिटर का काम ही होता है कि ये ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और वहां की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भेजता है। तो ये मेनली बेसिक काम होता है वो होता है ऑर्बिटर का। तो ये थी कुछ बेसिक न्यूज आज की जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।